हर रिश्ते की एक हद होती है, एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है। अगर इंसान रिश्ते की हद में रहे तो रिश्ते मजबूत बनते हैं, उनमें खुशियां होती है, भरोसा होता है। अगर यह हद पार हो जाए तो भरोसे के साथ साथ रिश्ता भी टूट जाता है। अगर रिश्ता निभाना है तो हदें भी समझनी पड़ती है और उन हदों में रहना भी पड़ता है। अनकही के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिश्तों की इसी हद के बारे में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी की अनकही बातों को, जहां एक हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशन की बाउंड्रीज ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डोंट फॉल सो लो कि आप कहते हैं मैं एक तरफ आपकी बीवी हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, और आप फिर बोल दें कि मैं किसी और इंसान के साथ फिजिकल हूं। मैं इस लड़की को पागल की तरह प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों का रिलेशनशिप टिका रहे, ये शादी ना टूटे। मेरी बीवी है वो, किसी और मर्द के साथ बाहर घूम रही है। यार एक अगर पति एक अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता तो आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग व्हिच आई शुड से। तो चलिए मिलते हैं इनसे, एपिसोड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। याद रहे इस कहानी की सिचुएशन रियल है मगर पात्र काल्पनिक है। सबसे पहले मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जो बहुत ही खुशमिजाज है, खुले विचारों वाली है, जो अपने शादीशुदा रिश्ते में चाहती है बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा वक्त, थोड़ा भरोसा, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ शक। उस लड़की का नाम है रिचा। हेलो मैम। अब हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मैम आई एम मैरिड सिंस 3 इयर्स। उससे 2 साल पहले मी एंड अगम वी वर डेटिंग। अगम आपके पति का नाम? हाँ जी। एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, इट वॉज लव कम अरेंज मैरिज। हम खुश थे, लाइफ वॉज नाइस, इट वॉज फन। बट अब ऑल ऑफ अ सडन अगम को मुझ पे डाउट हो रहा है दैट आई एम चीटिंग ऑन हिम। क्यों डाउट क्यों हो रहा है? आज से शायद 3 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड है सुशांत, वो बॉम्बे शिफ्ट हुए हैं, वो यहाँ किसी को नहीं जानते। सो जस्ट टू गिव हिम कंपनी एंड मेक हिम फील एट होम, मैं कभी कभी उनसे मिल लेती हूँ, और मेरे यहाँ मिलना से उनको इतना प्रॉब्लम हो गया है कि ही थिंक्स दैट आई एम चीटिंग ऑन हिम। आपके पति को इस बात से प्रॉब्लम है कि आप किसी अपने मेल फ्रेंड से मिलती हैं, तो उनको हर एक मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है या ये कोई खास है, मतलब इज ही पजेसिव टाइप? नहीं, आई थिंक उन्हें सुशांत से ही प्रॉब्लम है बिकॉज सुशांत वाज माय एक्स। आपका पास्ट प्रेजेंट में आ गया है, जब भूत वर्तमान में आ जाता है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। अश्विनी जी आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। उन्हें तो यहाँ तक लगता है कि मैं उन पर चीट नहीं, मैं सुशांत के साथ फिजिकल हो रही हूँ। ऐसा है तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका शक का कीड़ा बढ़ी जा रहा है और मैं उन्हें क्लियर कर चुकी हूँ, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये बात करने की कोशिश की है आपने? अश्विनी जी कोशिश बहुत कोशिश करी है, हर तरीके से उनको समझाने की, बिठा के, प्यार से, चिल्ला के, हर चीज ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना एक बारी गंदगी जब दिमाग में घुस जाती है, एक बारी शक का कीड़ा इंसान बो देता है तो वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता। लेकिन वो कीड़ा बढ़ाने में आपका भी तो हाथ है, आप क्यों नहीं बात करना बंद कर देती सुशांत से? हमारी शादी को 3 साल हो गए, उससे पहले हम लोगों ने 2 साल डेट किया। मैंने उन्हें स्टार्टिंग में ही सब कुछ हमारे बारे में बताया। उस टाइम उन्होंने बड़े ब्रॉडली, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैच्योरिटी से एक चीज़ बोली थी, दैट वॉज योर पास्ट, आई डोंट केयर। जो हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, जो हमारे इमोशंस थे, ट्रस्ट थे, फीलिंग्स थी, प्यार था, एक 3 महीने पुराना एक इंसान आया और हमारा ट्रस्ट ऐसे डगमगा गया कि वो मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। सॉरी आप कहाँ पे गलत जा रही, मैं बताती हूँ, 3 महीने पुराना दोस्त नहीं है, वो दोस्त से ज्यादा था 5 साल पहले। पर अब कुछ नहीं, अब वो वापस आ गया है और आपके पति को मेरे ख्याल से आपके सिर्फ इसी एक पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो नहीं करना चाहिए। मेरा इस टाइम ये लड़ना नहीं है कि मैं सुशांत से बात क्यों कर रही हूँ और मैं उससे बात नहीं करना चाहती। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि एक छोटा सा इंसान आके हमारे रिश्ते को, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि उसको खराब कर दे। हमारा ट्रस्ट, हमारी बातें, हमारा प्यार, उसका कोई मायने नहीं रहा इनके लिए। एंड उस हद तक इन्होंने सोच लिया कि मैं उनको
उसके साथ फिजिकली चीट कर रही हूँ. एंड यू डोंट फॉल सो लो कि आप कहते हैं मैं एक तरफ आपकी बीवी हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, और आप फिर बोल दें कि मैं किसी और इंसान के साथ फिजिकल हूँ. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ वो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट करें, और मैं ये रिश्ता बचाना चाहती हूँ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आज अगर मैं उसको छोड़ दूँ उनका हाथ ऊपर हो जाए, कल को वो फिर मेरे को मना करे, फिर मना करे, फिर मना करे. ही हैज़ टू ट्रस्ट मी एट द एंड. आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि आप क्या चाहती हैं, वो ट्रस्ट चाहती हैं वापस. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुशांत के साथ रहकर ही उनको वो ट्रस्ट दिला सके. जब उनको किसी से नफरत हो रही है तो आप मत बात कीजिए ना, बंद कर दीजिए सुशांत से बात करना. मेरे ख्याल से आप अलग तरीके से भी समझा सकती हैं अपने पति को. डोंट टॉक टू सुशांत. मैं उसे नहीं बंद करूंगी. क्यों मैम? अगर ये सिर्फ शक होता तो मैं शायद छोड़ भी देती. मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, आपको शायद सुनते हुए भी अजीब लगेगा. जिस इंसान को इतना प्यार किया, इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ दिया, उस इंसान ने मेरे पीछे जासूसी करी. आपको कैसे पता कि जासूस छोड़े थे? मैम एक दिन मैं घर वापस आई, आई वाज जस्ट एट द डोर, मैंने खोला और उन्होंने मेरे से ना हाय ना हेलो कैसे कुछ नहीं, उन्होंने सीधा मुझे कन्फ्रंट किया. कॉफी शॉप में किसके साथ बैठी थी? इट वॉज बैंग ऑन, जैसे आप अंदर घुस रहे हो और कोई आपको थप्पड़ मार रहा है. सेकेंड टाइम ये हुआ कि मैं अभी घर के अंदर दोबारा वैसे घुसी और मेरे को कहते हैं थिएटर में किसके साथ थी तुम? मैम ये जासूसी नहीं है तो और क्या है? हालांकि आई एम नॉट वन पर्सन हु विल हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट यू नो द पर्सन यू लव सो मच. मैंने अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उन्हें दिया है. ही इज माई हस्बैंड, आई हैव टू स्पेंड ऑल माई लाइफ विद हिम. बट शक करना, जासूसी करवाना, और यहाँ तक बोल देना कि आपकी बीवी, आप सो कॉल्ड जिनको कहते हो आप उनसे प्यार करते हो, कि वो किसी और आदमी के साथ फिजिकल हो रही है, इट इज ऑन माई कैरेक्टर. मैं इसलिए हूँ यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू नो वॉट इज इट. इट इज नॉट अबाउट सुशांत, इट इज अबाउट अस, इट इज अबाउट आर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट द ट्रस्ट, इट इज अबाउट द ग्रोथ. आज मुझे लगता है मैं वही 5 साल पीछे खड़ी हूँ. कुछ है ही नहीं. So I'm here only for that. आप यहाँ आई हैं हमारे शो में तो आप क्या चाहती हैं? मुझे ये रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि वो शक करें, उनको शक के लिए मैं लोगों को छोड़ती रहूं. तो जैसा कि आपने सुना, ऋचा परेशान है अपने पति के उस शक से जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रहा है. रिश्तों में अगर शक की दरार पड़ जाए तो दूरियां बढ़ ही जाती है. तो ये थी ऋचा की कहानी. लेकिन हमें दूसरी साइड भी तो सुननी पड़ेगी ना. जी हां, ऋचा के पति की. तो आइए बिना वक्त गवाए मिलते हैं आगम से. आगम, ऋचा ने बताया था कि आपका लव कम अरेंज मैरिज है, आप 2 साल डेट भी कर रहे थे और शादी हो गई, फिर सब कुछ ठीक था शुरुआत में, शादी से पहले भी ठीक था, फिर अब अचानक शादी में क्या प्रॉब्लम आ गई? एंड प्रॉब्लम आपको है? यस, कॉज मेरी वाइफ ऋचा का किसी और के साथ बाहर अफेयर चल रहा है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत के साथ. ऋचा ने बताया सुशांत उसका सिर्फ दोस्त है. अच्छा, दोस्त है अब? सिर्फ दोस्त? अगर ये सिर्फ दोस्त होता ना तो रात को 12-12 बजे तक इन लोग के मैसेज नहीं चलते. सिर्फ दोस्त से कोई घंटों घंटों फोन पे नहीं लाइन पे बात करता. सिर्फ दोस्त से अगर मिलना है तो कोई छुप छुप के नहीं जाके मिलते. आई एम प्रिटी श्योर ये लोग तो पहले भी रिलेशनशिप में थे और अभी भी इन लोगों के बीच में दोस्ती से कुछ ज्यादा है. नहीं, आप इस तरह से जो बात कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर आप जो बोल रहे हैं, आपको पता था ना शादी से पहले ऋचा ने बताया था कि सुशांत के और उसका अफेयर था. एग्जैक्टली, बताया था, सब क्लियर था. उस टाइम तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हर एक का पास्ट होता है, मेरा भी था. पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पूरे पास्ट को प्रेजेंट में लाए, मेरी लाइफ में लाए. अब मुझे परेशानी ये है क्योंकि वो इंसान मेरी जगह ले रहा है एंड जो टाइम मुझे देना चाहिए वो उसे दे रही है. ये क्या है मतलब? देखिए, बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ. दिन भर वहाँ पे काम करने के बाद मैं जब घर आता हूँ तो 2 सिचुएशन होती है. एक तो मेरी बीवी घर पे नहीं होती, और अगर होती है तो फोन पे किसके साथ? सुशांत.
जहां देखो सुशांत, कॉल करो सुशांत, मैसेज करो सुशांत, किससे बात करूं? मुझे बात बताइए, अगर सिर्फ दोस्त होता तो कौन अपने सिर्फ दोस्त के साथ रात को 12-12 बजे तक घूमता है, पार्टियों में जाता है? चलो ये भी एक्सेप्ट कर लिया, ये मुझे बोलती है कि मैं कैरेक्टर में नीचा हूं, ये खुद क्या कर रही है औरत, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो भी उसकी शादी होने के बावजूद भी। वो एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब वो आप बोल रहे हैं कि वो पार्टियों में जाती है, 12-12 बजे तक घूमती है, आप क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? बॉस, उसके साथ वहां पे सुशांत होता है, और मैंने जब उसको कहा कि मुझे तुम सुशांत से क्यों नहीं मिलवाती, तो रीजन क्या दिया बुलशिट, कि तुम्हारे और उसके टेम्परामेंट मैच नहीं होते, ये नहीं कोई रीजन हुआ। आपने कोशिश की थी सुशांत से मिलने की? कितनी बार, इसने मिला तब मिलूंगा ना, मैंने उसको कई बार कहा कि तुम और सुशांत अगर दोस्त हो, अभी तुम्हारे बीच में कुछ रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे मिलाओ उसके साथ, घर पे बुलाओ, डिनर पे चलो या कहीं पे भी चलो, तो नहीं तो ये रीजन दिया। शादी के बाद ये औरत पूरी तरह से बदल चुकी है, मतलब ये वो रिचा रही नहीं जिससे मैंने शादी की थी। शुरुआत में रिचा बहुत डेडिकेटेड वाइफ थी, मतलब घर का काम करना, आपका ख्याल रखना वगैरह, ऐसी थी या शी वाज ऑलवेज एग्जैक्टली, शी वाज टोटली प्रिसाइज अबाउट हर वर्क। शादी के बाद तो मतलब स्टार्टिंग के बहुत सारे महीने बहुत सब कुछ ठीक था, पर जब से ये सुशांत आया ना, सब कुछ बिगड़ जा चुका है। And I'm pretty sure, इन लोगों के बीच में तो फिजिकल रिलेशनशिप भी है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि वो आपको चीट कर रही है? Of course, जब भी उसके नजदीक जाता हूं, एक तो मुझे दूर ढकेल देती है, उसको छूने की कोशिश करता हूं तो ऐसा महसूस करा देती है कि मैं कोई अननोन इंसान हूं, ऐसा महसूस करा देती है मैं जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूं, छूने नहीं दे रही है मुझको। इन सब की बातों का मतलब क्या होता है कि इस लड़की के लाइफ में कोई और इंसान है, और वो कौन है? सिर्फ सुशांत। You okay? Yep. गलती मेरी है, मैं इस लड़की को पागल की तरह प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि हम दोनों का रिलेशनशिप टिकर है, ये शादी ना टूटे, ना कि इस वजह से लोग क्या कहेंगे, बट सच में प्यार करता हूं इस लड़की से, क्या रिटर्न में मिल रहा है? आग बंद करके विश्वास किया था, पूरा विश्वास पानी में मिला दिया। तकलीफ नहीं होगी मेरी, मेरी बीवी है वो, किसी और मर्द के साथ बाहर घूम रही है। पहले तो मतलब ऑफिस से भी मतलब काम लेके आता था, तब हमेशा मुझे बोलती थी तू मुझे टाइम कब दोगे, ऑफिस का ही काम करते रहते हो। ये बोलने के बाद मेरे बॉस को भी बोल दिया कि मैं अपना काम घर पे नहीं लेके जा सकता, वो भी सब कुछ रुका दिया। घर पे आने के बाद खाना खाया क्या, सोया क्या, ऑफिस में क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, हर छोटी चीज का ख्याल रखती थी, एंड सडनली इट ऑल स्टॉप। क्यों, रीजन क्या? बिकॉज जस्ट बेस्ट फ्रेंड सुशांत। अगर ऋचा से इस शो में बात करने का मौका मिला तो क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूंगा, देखो मैं तुमको डिवोर्स वगैरह तो नहीं दे सकता, ना कि देना चाहता हूँ, आई रियली लव यू, मुझे रिलेशनशिप टिकाना है, अगर तुम फ्रेंडशिप की हदें पार ना करो, एक एज अ फ्रेंड रहो, तो आई रियली एक्सेप्ट द वे शी इज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किया था इस औरत के ऊपर, पूरा पूरा भरोसा किया, भरोसा तोड़ दिया मेरा। हर रिश्ता अपने हिस्से का वक्त और प्यार दोनों मांगता है, पर अगर ये ना मिले तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। अगम ऋचा से सेल्फलेसली प्यार करता है, पर बदले में ऋचा उसके हिस्से का वक्त और प्यार दोनों नहीं दे रही है। अब वक्त आ गया है उस बेस्ट फ्रेंड से मिलने का, जिसकी वजह से एक पति और पत्नी के संबंध में गहरा तनाव दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद मिलेंगे हम सुशांत से, कहीं भी जाइएगा मत, उसके साथ तुम्हारा फिजिकल रिलेशनशिप है। Can you just shut up? क्या तुम उसके साथ? Shut up! No! बोलने से पहले ना दो बार सुन लेता इंसान। एक मिनट। कुछ भी बकवास बकवास कर रहे हैं। एक मिनट रिचा, रिचा का। रिचा। मार के दिखाओ। अब तक हमने बात की रिचा और आगम से, और हमने जाना कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। अब हम बात करेंगे सुशांत से, और उनसे जानेंगे कि उनके और ऋचा के संबंध कैसे हैं। सुशांत,
आपकी बेस्ट फ्रेंड रिचा के पति को लगता है कि आपके और रिचा में दोस्ती से ज्यादा कुछ है। मेरे और रिचा के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है, क्लियर कट फ्रेंडशिप, नथिंग मोर देन दैट। कॉलेज के टाइम पे तो था अफेयर। जी कॉलेज टाइम में अफेयर था, हम लोग रिलेशनशिप में थे, बट कॉलेज टाइम बीते हुए जमाने हो चुके हैं और अभी हम सिर्फ दोस्त हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि दो एक्स बाद में अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। आई थिंक दो एक्स बेटर दोस्त बन सकते हैं बिकॉज दे नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, व्हाट वाज अ नेगेटिव एंड व्हाट वाज अ पॉजिटिव। आपने कहा कि दो एक्स बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके हैं, जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, कंफर्ट जोन होता है, ये सारी बातों को अगर देखें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं आगे जाके वापस से आप एक दूसरे से प्यार करने लगे, वापस से आप दोनों का रिश्ता बन जाए, शायद आगम ये बात सोचते हो? मैं वही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। अब ये बताइए, मुझे पता है कि रिचा का रिलेशनशिप, वो शादी कर चुकी है एक बंदे से, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी फ्रेंड किसी भी गलत चीज में जाए और वो भी मेरे कारण। और मैं इसलिए रिचा से मिलता हूँ कि हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और हम एक हद में रहते हैं। और उसके पति तो 2-3-4 साल से उसके साथ में। यार एक अगर पति एक अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता तो आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग व्हिच आई शुड से। आगम को लगता है कि आपके और रिचा के बीच में मोर देन फ्रेंडशिप फिजिकल रिलेशनशिप है। दिस इज रिडिकुलस। आई थिंक वो पागल हो चुका है। अगर मुझे करना होता तो मैं यहाँ पे नहीं आता और मैं ये सब बात भी नहीं करता। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू डू इट, बट एक छोटे से सुख के लिए किसी का घर उजाड़ दूं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ। और रिचा यार, शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी वॉज क्लोज टू मी एंड शी इज क्लोज टू मी। और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी खराब हो जाए। मुझे एक मर्यादा पता है अपनी। मुझे आगम बार बार यही बोल रहा था कि माई वाइफ इज चीटिंग ऑन मी और सुशांत है क्योंकि मेरी पत्नी ज्यादातर टाइम सुशांत के साथ बिताती है, तो इसीलिए वो आपसे थोड़ा चिढ़ा हुआ है और इसीलिए वो रिचा पर शक करता है और इसीलिए उनके रिश्ते में दरार आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये बताइए अगर उसके पति उसको टाइम नहीं दे रहा है तो दैट्स इज अ डिफरेंस, नॉट मी इज अ डिफरेंस, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग टाइम टू रिचा। शी इज टॉकिंग टू मी एंड शी इज टॉकिंग टू मी इन अ नॉर्मल वे। हम लोग 90% बात उसकी करते हैं। मुझे लगता है कि आगम को एक मेल फ्रेंड होना पसंद नहीं आता, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। नहीं, रिचा से बात की हमने इसके बारे में, आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि ये सुशांत की ही बात को लेकर वो इतने उखड़े हुए रहते हैं या हर मेल पर, इज ही पजेसिव? सो शी सेड नो, इट्स ओनली सुशांत। तो मे बी आई एम गिविंग अ कंफर्ट जोन, बट मेरे मन में कुछ भी ऐसी बात नहीं। और आप पूछ सकते हैं रिचा से कि हमारी बात क्या होती है। हम कभी भी ऐसे सेंस में बात ही नहीं करते जिसमें से किसी को पढ़ने पे ऐसा लगे कि हम कुछ और कर रहे हैं। कॉफी पीना गलत होता है क्या बताइए? मूवी देखना गलत होता है क्या? आदमी मूवी के अलावा कहीं और भी जा सकता है, कॉफी के अलावा कहीं और जा सकता है, बट आज तक मैंने कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं लेके गए जो साउंड अनोइंग करे। आई थिंक आई एम गिविंग अ गुड फ्रेंड जोन वेयर शी कैन टॉक टू मी अबाउट एवरीथिंग एंड देन शी कैन गो हैप्पी टू होम। कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं रिचा इज माई गुड फ्रेंड, हम दोनों का रिश्ता बहुत सच्चा है, अच्छा है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं है हम दोनों के बीच में, तो फिर एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में आपकी वजह से प्रॉब्लम है तो आपको जाके सॉर्ट आउट करनी चाहिए? उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए थी आगम से मिलने की। मैंने पुश किया, बताइए एक लिमिट तक मैं पुश कर सकता हूँ। अगर मैंने रिचा को कहा कि प्लीज टॉक टू योर हस्बैंड एंड टेक अ टाइम, आई कैन मीट हिम कहीं पे भी, तो उसने खुद ही कहा कि यार उसका हस्बैंड बिजी रहता है। अब मैं बार बार एक चीज को नहीं बोल सकता, मुझे लगा यार इट्स जस्ट 2.5 or 3 months, कम ऑन, वी कैन मीट आफ्टर सम टाइम। मे बी उसका पति बिजी हो, मे बी लिटरली कुछ और सोच रहा हो या फिर कुछ और काम पे बिजी हो। तो मैंने सोचा नहीं कि मेरी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा तवज्जो रखती है रिलेशनशिप में कि उनकी एक वैवाहिक जिंदगी मेरे कारण खराब हो जाएगी। तो आपको अपनी दोस्त को तकलीफ में देखकर ऐसा ख्याल मन में आया कि रिचा ने आगम को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। और मैं चाहता हूँ इस शो के माध्यम से कि आगम प्लीज प्लीज और प्लीज मैं कहना चाहूंगा, अपनी बीवी को समझो यार, शी इज वेरी क्लियर लाइक वाटर। वो क्या कहते हैं, बाल की खाल, और खाल में बाल ढूंढने से सिर्फ दर्द ही होता है। आपकी गर्लफ्रेंड है? जी। शादी हो गई आपकी? नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड अगर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रात को मूवीज देखने जाए, घंटों बातें करे, उसके साथ ज्यादा टाइम बिताए और आपको तवज्जो ना दे, तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या कहेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से? मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा और उसका फ्रेंड टाइम दे रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। इफ
इफ समथिंग इज हैपनिंग, मैं उसके साथ में हूँ तब वो जा रही है, तो फिर मुझे बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है। फ्रेंड का जोन अलग होता है, पति का जोन अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंड पति सेम होते हैं, ठीक है। आप हाथ पकड़ोगे पति का और हाथ पकड़ोगे फ्रेंड का, देयर इज अ होल्डिंग डिफरेंट, इट डजंट मीन बोथ आर सेम। तो मैं जानना चाहूंगा अपनी गर्लफ्रेंड से कि ऐसा क्या है कि वो अपने फ्रेंड के साथ जा रही है, पर मैं मना नहीं करूंगा अगर हफ्ते में दो हफ्ते में शी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ पार्टी इन नाइट, कम ऑन एवरीबॉडी कैन गो। जरूरी नहीं कि वो टैग लेके घूमेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है या पति है साथ में लेके घूमे। एक दोस्त जो अपनी दोस्त के साथ वक्त बिता रहा है, जिसके मन में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसकी दोस्ती अगर उसके दोस्त के रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर दे तो इसमें कसूर किसका है। कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे एक दूसरे से बात करके सुलझाया ना जा सके। तो आइए बुलाते हैं ऋचा और आगम को और बात करवाते हैं आमने सामने और देखते हैं कि क्या वो अपनी समस्या सुलझा पाते हैं या नहीं। आपको fuck you, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। Shut up, है कौन तू? क्या आया क्यों है यहाँ पे? एक मिनट। सुशांत को मैंने बुलाया है और ये मेरा शो है। आई विल डिसाइड कि इस शो में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है ऋचा और उनके पति आगम। ऋचा और आगम, हम यही मानते हैं कि आपस में अगर बैठकर बात की जाए तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं यहाँ पर, इसीलिए आप दोनों आमने सामने बैठे हैं कि खुलकर बात कीजिए, दिल की अनकही बातों को सामने रखिए, हो सकता है कोई पॉजिटिव आंसर निकल आए। अश्विनी जी, मैं आगम को सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत नहीं हूँ। सुशांत और मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम सिर्फ दोस्त होते ना तो यहाँ तक नहीं आता मसला। साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है तुम दोनों में। क्या चल रहा है मतलब? ये तुम्हारा क्या क्या है? क्या चल रहा है मतलब? यू आर चीटिंग ऑन मी। कुछ भी मत बोलो, जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी आ रही है वो बोली जा रहे हो। कुछ भी मत बोलो, बेफालतू की बातों को एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग कुछ भी कह रहा है वही डायरेक्शन में तुम बोली जा रहे हो। मैं और वो सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त होता ना तो मुझे एक बात बताओ, जब वो मुंबई आया था तब क्यों नहीं मुझसे मिलवाया उसके? हाँ, ये बाहर से बात मुझे पता चली है कि तुम छुप छुप के जाके उससे मिलती थी, तब नहीं बताया कि वो मेरा दोस्त है करके। एक मिनट, आई एम कंफ्यूज्ड नाउ हियर। आप कह रहे हैं कि आपको ऋचा ने बताया ही नहीं था कि वो सुशांत से मिलने जा रही है? नहीं, वो कोई और बहाना बना के उससे मिलने जाती थी। एग्जैक्टली। आपने तो मुझे बताया कि आप सब कुछ बता चुकी हैं आगम को, उनको बता के आप सुशांत से मिलने जाती हैं। अश्विनी जी, ये बात सही है कि मैंने इनको नहीं बताया कि मैं। क्यों ऋचा? अश्विनी जी, अभी इनको पता चला है, इन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया है। उस टाइम मैं इनको बताती तो ये मुझे मिलने ही ना देते। एक्सक्यूज मी, अगर उस टाइम बोलती ना तो इस दिन की नौबत नहीं आती। ओके, लेट मी कंप्लीट। उस टाइम तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं किसी और दोस्त के साथ कॉफी जा रही हूँ? ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हारा पीछा किया, वो कोई और दोस्त नहीं, जब फेसबुक पे फोटोज देखे तो कोई और नहीं था, सुशांत था। तुम्हें तो और कोई काम है ही नहीं। स्टॉक करना, पीछा करना, जासूसी करना, बस यही तुम्हें आता है। एक मिनट, स्टॉकिंग या स्पाइस नहीं किया मैंने, ओके ना? समझे ना, ये पीछा नहीं कर रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, ये सब अपने आप सामने आए मेरे। क्या किया था? भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, तोड़ दिया तुमने मेरा भरोसा। कौन सा भरोसा तोड़ दिया मैंने तुम्हारा? भरोसा तोड़ दिया, चीट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, कौन सा भरोसा तोड़ दिया? तुम अपनी वो ऑफिस वाली कलीग की क्यों नहीं बात बताते? वो ऑफिस वाली कलीग जिसके बारे में तुम बोल रहे हो? हाँ जी? वो मुझसे 10 साल छोटी है, she is like my sister. Okay. और it was a completely professional जो हम लोग लंच या डिनर पे जाते थे। तुम्हारी तरह बाहर गुरछल रहे नहीं उड़ा रहा हूँ उसके साथ, समझे ना? अय्याशी नहीं बना रहा तुम्हारी तरह। सो यू आर ट्राइंग टू से तुम अपनी 10 साल छोटी कली के साथ ऑफिस में डिनर में इधर उधर कहीं जाओ, दैट इज ऑफिशियल। मैं एक अपने पुराने दोस्त के साथ बाहर जाऊं तो अय्याशी इन योर लैंग्वेज।
रिचा कितना टाइम तुम्हें स्पेंड करना है उसके साथ? मुझे एक बात बताओ, हर टाइम उसके साथ रहती हो, एक तो या लंच होगा या डिनर होगा। लास्ट टाइम हम दोनों ने कभी या लंच या डिनर किया था, याद है तुमको? लंच और डिनर, लंच और डिनर छोड़ दो, लास्ट में कभी हम लोगों ने बात भी की थी 5 मिनट? दैट्स व्हाट आई एम रिप्लाइंग, लेट मी आल्सो टॉक नाउ। क्या बात कर रहे हो तुम, लंच और डिनर की बात कर रहे हो तुम? इनसे जब पूछ लो ना, लंच पे चलते हैं, डिनर पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मेरे साथ बात कर लो, इनके दो ही जवाब होते हैं, या फिर एक्चुअली तीन, मैं टायर्ड हूं, मैं बिजी हूं। और जिस दिन गलती से बोल देते हैं ना हाँ हम आज चलते हैं, यू नो यू टेंड टू बिकम हैप्पी दैट ही इज गिविंग यू टाइम। साथ में एक और सेंटेंस होता है कि अवस्थी और उसकी बीवी भी हमारे साथ चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनके अपने सेल्फिश मोटिव्स होते हैं, इनको उनसे काम निकालना होता है। सो एज अ ट्रॉफी वाइफ ही टेक्स मी अलोंग, और उसके बाद तुम कहते हो पाप मैं कर रही हूँ, क्यों अपने पाप, पाप है ये, पाप है क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, मेरे होने के बावजूद भी किसी और मर्द के साथ तुम बाहर चढ़ी हो, ये पाप कर रहे हो तुम। ये पाप क्या है? क्यों? तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, मतलब अगर मेरी तुम्हारे से शादी हुई है मैं तुम्हारे साथ अपने को खूंटे से बांध लूं? नाटक बंद करो अपना, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। मैंने तुमको बोल दिया था जिस दिन एक दिन हमारे घर पे हमारे सारे ऑफिस के फ्रेंड्स डिनर के लिए आए थे, इसकी नोटिस मैंने तुमको एक महीने पहले भी बताई थी कि ये फ्रेंड्स आने वाले हैं, उसी दिन एग्जैक्टली उसी दिन तुम्हें अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना था। क्यों नहीं जाती हो? क्या मरता क्या वो? शट अप, अपना ना जुबान संभाल के बात करो। हाँ क्यों, देखा कैसी मिर्ची लगी है ये सच बोल रहा हूँ ना, इसलिए चुप रहा है इनको, और ये सब कुछ जो भी इसका एटीट्यूड आना ना, जो मुंह पे लफ्ज है, सिर्फ और सिर्फ वो सुशांत की वजह से। नहीं तो तुम क्या चाहते हो, ये पता क्या चाहते हैं कि ये कुछ भी बोले, बेबुनियाद एलिगेशन लगाए, अपने मन में दिमाग में मन में कीड़े भरे, बकवास करे और मैं चुप बैठी रहूं? क्यों? अच्छा नहीं ना, चुप मत बैठो। तो एक बात बताओ, रात भर तुम एक दूसरे को जो टेक्स्ट करते हो 12 बजे 1 बजे 2 बजे, वो भी बताओ ना इनको कि क्या टेक्स्ट करते हो, बताओ। क्यों हम करते हैं पूरी पूरी रात भर हम टेक्स्ट करते हैं? हम टेक्स्ट क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि ना वो तुम्हारी तरह, वो सिर्फ मेरी जॉब, मेरी लाइफ, मेरा ये, मेरा वो, ही इज नॉट मैं। अच्छा? उसको ये भी जानना होता है कि एम आई फाइन, और ऐसा नहीं है कि हम लोग गंदी कोई बात कर रहे होते हैं, तुम्हारे बारे में भी बात होती है। अच्छा? लेकिन ही इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मी, ही इज नॉट अ सेल्फिश मैन लाइक यू हु इज ओनली एंड ओनली इन योर वर्ल्ड। बराबर, मैं खुद अपने वर्ल्ड में हूँ, अपने मर को एक मिनट भी ना देखे दूसरे मर के साथ 3-3 घंटे बात करना, ये कुछ गलत बात नहीं है ना? अब तुम्हें ना जलन हो रही है, एक्चुअली तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है ना, इससे तुम्हारी पेट चूपर जा रही है। व्हाट अबाउट काव्या? शी इज जस्ट माय स्कूलमेट। ओके ओके, ये तुम्हें बात मैंने 1000 बार बताई थी। कब? अपने दिमाग में भूल गए हो, तुम भूल गए हो, तुम्हें मेरा उससे मिलना पसंद नहीं था, मैंने इसलिए वो भी छोड़ दिया। बट उस मैडम को खुद की पर्सनल लाइफ के लिए खुद की स्पेस चाहिए। जब दाल में कुछ काला हो ना तभी दाल फेंक देते हैं, जब कुछ तुम्हारा उसके साथ नहीं था ना तुम उसके साथ रहते। लिसन टू मी फर्स्ट, मैं अभी भी सुशांत के साथ टच में इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्लीन हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ फिर से सिर्फ मेरा दोस्त है। अच्छा? हाँ जी, और मुझे मेरी लिमिट्स पता है। एक मिनट, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, आई एम अ मैरिड वुमन, मुझे पता है घर कैसे रखते हैं और दोस्तों कैसे रखते हैं। तुम्हें लिमिट्स पता है? जी हाँ। क्रॉस कर चुके हो तुम अपनी लिमिट्स, बहुत बड़ा इल्जाम लगा आपने। क्योंकि ये सच है, वही एक मिनट, बहुत ज्यादा बड़ी बात बोली आपने अपनी खुद की बीवी के बारे में, बहुत ज्यादा बड़ी बात। वो भी दे रहा है, एक मिनट, दिखाई सिर्फ तुम्हारा गन दे रहा है। नेशनल टीवी पर अपनी बीवी के बारे में आपने इतनी बड़ी बात बोली है तो कुछ ठोस सबूत होगा आपके पास? हाँ आगम, अगर आपके पास नहीं है तो आपकी इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं या ये, इस बात पर रोशनी डालने के लिए मुझे लगता है मुझे किसी को बुलाना चाहिए। इट्स हाई टाइम, आइए प्लीज। सुशांत, आगम, ऋचा के पति, आगम, 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 प्लीज, आपके सामने सुशांत है। आप सुशांत मॉनिटर रूम में बैठे थे, आपने देखा ही होगा इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। जी। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, यह एक्सप्लेनेशन जो चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, वो कुछ हदें क्रॉस कर गया। आपने सुना ही होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि आपका और ऋचा का फिजिकल रिलेशनशिप, आपको fuck you, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। Shut up, है कौन तू, क्या आया क्यों है यहाँ पे? नहीं कोई बोल सकता है? एक मिनट, तुम उसको क्यों डिफेंड कर रही हो? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसको कुछ
बोलने तो दो, थोड़ी सी शर्म करो, अपने पति को तुम्हारे सामने बोल रहा है। मेरे को तो बोलने नहीं देते, कोई और आया है, शर्म करो, बोलने तो दो। इतने सेटिस्फाई हो उससे? आगम, शट अप, व्हाई शट अप, आगम मुंह बंद करो, नहीं करूंगा। आगम, सुशांत को मैंने बुलाया है और ये मेरा शो है। आई विल डिसाइड कि इस शो में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और ये शो आपकी मदद कर रहा है, और इसी वजह से सुशांत भी यहां है, तो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आप सुने, उसके बाद आप बात करें। आगम, हर जो चीज आप देखते हो वो सही नहीं होती, जो आप सुनते हो कभी कभी वो भी सही नहीं होता, कभी कभी जो आप पढ़ते हो वो भी सही नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी थिंकिंग में कुछ नेगेटिव चीज बना लो और अपनी बीवी को सरेआम टेलीविजन में सब बात कर लो। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आपके रिलेशन बचा सकूं, वरना मैं आता नहीं, मैं क्यों आता बताइए? तू मेरी रिलेशन बचाएगा? एक तो आग डाल चुका है हम लोग उनके रिलेशनशिप के बारे में, बाहर मिलते हो। क्या आग डाली? यू आग तुम्हारे दिमाग में, ही इज जस्ट फकिंग यू, दैट इज अ नो। इस मिनट, नो आगम, आगम एक मिनट, सुशांत ने मुझसे एक बात कही यहाँ पर, सुशांत ने मुझसे क्लियरली कहा कि वो जब यहाँ पर बॉम्बे में आए थे आपसे मिलना चाहते थे। प्लीज कहिए, सुनिए, आपने मुझे काफी बार चाय कॉफी में देखा है, आपने मुझे मूवी पे देखा, आपने ये भी देखा कि मैं इसको देखा था तो अंधेरे में देखा था, अंधेरे में क्या चल रहा था मुझे क्या? मैं यही कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, मैंने इसको नीचे भी छोड़ा बहुत बार, आपने वो भी देखा होगा, और आपने ये नहीं सुना कि मैंने इसको हर बार ये कहा कि मुझे आपसे मिलना है। 17वें माले से सुनाई दे रहा है, आपकी बीवी को आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको एक बार नहीं कम से कम 40 से 50 बार बोल चुका हूँ कि मुझे आपसे मिलना है यार, मुझे घर आना है, मुझे बात करनी है, आगम कैसा बंदा है कैसे, क्योंकि हर टाइम आपकी तारीफ करती है, हमारे 80% बातचीत में सिर्फ आपकी बात होती है। तो मैं भी चाह रहा था कि यार मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड का पति कितना अच्छा होगा। मजे की बात मैं बताऊं आपको, आगम से जब मैं बात कर रही थी तभी उन्होंने भी मुझसे कहा कि उन्होंने भी कई बार ऋचा से कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहा ना, आप बताइए। यस ऑफ कोर्स, ये सेम बात मैंने उसे कही थी जी, कि जब अगर तुम्हारा और तू उसका कुछ रिलेशन नहीं रहा है, घर पे बुलाओ, डिनर के लिए बाहर चलते हैं। मैंने भी यही कहा था, क्योंकि जब से मैं आया हूँ ऋचक से मिलने के बाद, मैं बिल्कुल चाहता था, मैं क्यूरियस था कि यार किससे शादी हुई है, बंदा कैसा है, आई वांट टू नो यू, एंड शी वाज टेलिंग मी एवरी द हेल यू आर डूइंग दिस ऑल, बट आगम यूज कर रहे हो क्या हम दोनों को? सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सुशांत आपके पति से मिलना चाह रहे हैं और आपके पति सुशांत से मिलना चाह रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या थी? अश्विन जी, बात सच है कि इन्होंने भी बोला और उन्होंने भी बोला, लेकिन लेकिन मुझे मुझे नहीं लगा कि he will be able to handle him as my friend only, because handle for I, what? Can I please talk? आप अगर बहुत बोल चुके हैं और बहुत मेरे कैरेक्टर के ऊपर बकवास कर चुके हैं, अब मैं बोलूं? Please go ahead. I never thought that he will take it nicely. I don't know, अभी ये कह रहे हैं, शायद ये लेते हैं, शायद ये ना लेते, मेरे को ये लगा ही नहीं कि ये अच्छी तरीके से ले सकता है, क्योंकि okay, he is my ex, but अब सिर्फ दोस्त है, और ये चीज वो बाय कैसे कर पाते? Secondly, I just thought कि you know, let me keep both my relationships अलग, एक दोस्त है, दूसरा मेरा हस्बैंड है, I never thought कि इतना ज़्यादा फ्यूम अप हो जाएगा। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं, इफ तुम्हारा कंप्लीट हुआ तो हम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो एक दूसरे से झगड़ा होगा, पर ये झगड़ा क्यों होगा जब तुम मुझे उसे एज अपना फ्रेंड इंट्रोड्यूस करके दे रही हो? हाँ, तो मुझे नहीं लगा था ना कि आप बाय कर सकते हो। क्यों नहीं लगा था? Because he is my ex, but I, मेरे लिए तो अभी वो सिर्फ दोस्त है। वो तो शादी से पहले तुमने शेयर भी किया था, and I was completely okay with it. ये यहाँ तक बात आती ही नहीं, क्यों खींचा? नहीं लगा था उस टाइम, आई मेरा कोई गलत इंटेंशन। देखो आगम, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा मैं भी चाहता था आपसे मिलना, आप भी चाहते थे, पर उसके मन में क्या चीज है, वी डोंट अंडरस्टैंड। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, वो फेसबुक में आपने पिक्चर देखी थी, ये उसने मुझे बताई थी, उसमें तीसरी जो लड़की थी वो मेरी गर्लफ्रेंड, लंबे बाल वाली, उसमें भी कुछ आपका झगड़ा हुआ था, और उसको इसके बारे में और खासकर आपके बारे में सब पता है। सिंपल सी बात है, ये झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मुझे ये सारी चीजें नहीं बताई। मैं यही कह रहा हूं, और इसके पीछे एक ही सवाल है, ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई? क्योंकि आग था। एक मिनट, लिसन, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कौन सा तुम्हें हंटर से ट्रीट करता था घर पे, कि मैं तुमको गाली देता या कुछ करता। नहीं, तो एक ही छोटी सी चीज आई और तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। आगम, कभी कभी एक छोटी चिंगारी भी आग लगा देती है। लाइक हमारा 2 साल का अफेयर, हमारी 3 साल की शादी,
Just one guy came in and you just destroyed everything. मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक छोटी सी चिंगारी रिलेशन को आग लगाते थी और शायद तक वो मैं चिंगारी था, इसलिए मैं यहाँ पे आया कि काश मैं आप लोगों का कुछ हेल्प कर सकूँ। मुझसे गलती हुई, but then you were not completely correct. But she is 100% devoted to you and she is only my friend. Trust me. एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं भाई, दोस्त हो सकते हैं, बट वो दोस्ती तभी समझ में आएगी जब शेयरिंग होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। टीचर रिक्वेस्ट करता हूँ, आई बेग यू, ये रिलेशनशिप मुझे टिकाना है। मैं कभी नहीं चाहूंगा हम दोनों के बीच में दरार आए। सिर्फ एक चीज, शेयरिंग। मैंने अब तक कसम खा के कहता हूँ, मैंने एक झूठ नहीं बोला तुमसे कभी भी, कोई झूठ नहीं बोला, बट तुमने बोला ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। I am at fault, but my intentions were not wrong. At least trust कर लेते। But just cause of misunderstanding. Trust me, bro. तो I'm sorry. No, please, you don't say sorry. I am sorry because मेरे को नहीं लगा था आप लोगे और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया था। You share everything with me. I'm really telling you, I really, really love you. Please, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। And please मुझे माफ करो कि मैंने तुमने पूरे नेशनल टीवी के सामने ऐसा कुछ कहा, मेरा नहीं मतलब था। प्लीज आई एम सॉरी। जैसा कि मैंने कहा था, हर रिश्ते की एक हद होती है और हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उस हद की, उस लिमिट की रिस्पेक्ट करें और अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें। तो इसी थॉट के साथ आपसे अलविदा कहती हूं, लेकिन वादा करती हूं अनकही के अगले एपिसोड में मिलने का एक नई कहानी के साथ। टिल देन, यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।